अनुष्का और फिर से स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पे। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्लॉक 9 ब्रिटिश ड्रामा वेटिंग फॉर गॉडॉट के बारे में, जो कि लिखा गया है सैमुअल बेकेट के द्वारा। गाइस, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। सो ज्यादा टाइम ना लेते हुए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे इस प्ले के इंट्रोडक्शन, की पॉइंट, समरी, एनालिसिस एंड फुल एक्सप्लेनेशन के बारे में। सबसे पहले इसका थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। ये एक टू एक्ट का प्ले है, जिसमें जो सेकंड एक्ट है वो ऑलमोस्ट फर्स्ट एक्ट का ऑलमोस्ट रिपीटेशन है। ये एक एब्जर्ड प्ले है, इसे थिएटर ऑफ एब्जर्ड में रखा जाता है। एब्जर्ड मीन्स एक बेतुका प्ले है, जिसमें बेतुके कैरेक्टर्स हैं, बेतुके डायलॉग्स हैं और बेतुकी हरकतें भी हैं। इसे लिखा गया था फ्रेंच में और इसे बाद में सैमुअल बेकेट ने ही इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। इस प्ले का फ्रेंच नेम था इन अटेंडेंट गॉडॉट। 28 सेंचुरी का काफ़ी जाना माना प्ले था ये। 1954 में इसे पब्लिश किया गया था और जो इस प्ले का जेनरा है वो ट्रैजिक कॉमेडी है। ट्रैजिक कॉमेडी यानी ट्रैजिक यानी ट्रेजेडी भी है प्लस कॉमेडी भी है। थिएटर डी बेबीलोन पेरिस, इस जगह पे सबसे पहले इसका प्रीमियर किया गया था और 5 जनवरी 1953 को इसका प्रीमियर किया गया था। ये था इसका इंट्रोडक्शन और कुछ की पॉइंट्स। अब चलते हैं इसके कैरेक्टर्स की। इसके कैरेक्टर्स की अगर हम बात करें तो ज़्यादा कैरेक्टर्स नहीं है। पहले इसका एस्ट्रागन, जिसका दूसरा नाम है गोगो। सेकंड है व्लाडिमीर, जिसका दूसरा नाम है डीडी। ओजो, जो कि एक लैंडलॉर्ड है। लकी उसका स्लेव है। गॉडॉट नेवर कम, गॉडॉट जिसका वो वेट कर रहे थे जो कभी नहीं आता। और एक बॉय एज अ मैसेंजर स्टोरी में दिखाया जाएगा। ये इसके थे कुछ गिने चुने कैरेक्टर्स। अब स्टोरी शुरू करने से पहले हम इसका थोड़ा सा टाइटल डिस्कस कर लेते हैं। गॉडॉट लिंक्ड टू गॉड। गॉडॉट का मतलब है यानी गॉडॉट को जो है गॉड से लिंक्ड दिखाया गया है। इसे पूरी इस प्ले को लिखने का मेन पर्पस यही था कि इसे ह्यूमन लाइफ पे दिखाया गया है कि किस तरीके से जो ह्यूमन है वो सारी जिंदगी भटकता रहता है इधर उधर, भगवान का वेट करता है और भगवान उसे कभी नहीं मिलते, और इसी तरीके से सफरिंग्स में उसकी ज़िंदगी जो है कट जाती है। ये था इसके टाइटल का थोड़ा इंट्रोडक्शन। अब शुरू करते हैं इसकी समरी को। एक्ट वन की शुरुआत कुछ इस तरीके से होती है कि जो व्लाडिमीर और एस्ट्रागन है वो दोनों एक अनआइडेंटिफाइड जगह पे किसी गॉडॉट का वेट कर रहे होते हैं। उन्हें ये भी नहीं पता होता कि गॉडॉट वहाँ आएगा भी या नहीं, क्या वो सही जगह पे वेट कर रहे हैं, और उनके पास करने के लिए भी कुछ नहीं होता। तो गोगो क्या करता है, वो अपना शूज निकालता है और डीडी गोगो से पूछता है कि क्या उसने कभी बाइबल पढ़ी है। तब वो उसे कहता है कि उसे कुछ होली लैंड कलर्स के बारे में याद है। तब डीडी उसे बताता है कि जब जीसस क्राइस्ट को लटकाया गया था तब उसके साथ दो चोरों को यानी टू थीव्स को भी लटकाया गया था और उसमें से एक जिंदा रह गया था। और उसके बाद वो सोचने लगता है क्या ऐसा सचमुच हुआ था। एस्ट्रागन जो है वो वहाँ से जाना चाहता है लेकिन जो व्लाडिमीर है वो उसे रोकता है और उसे बोलता है कि वो यहीं रुककर गॉडॉट का वेट करेंगे। उसके बाद वो लोग इस बात पे आर्ग्यू करना शुरू करते हैं कि क्या वो सही जगह पे उसका वेट कर रहे हैं, क्या ये गॉडॉट से मिलने का सही दिन है। गोगो सो जाता है तो डीडी उसे उठा देता है। वो बोलता है कि उसके बगैर उसे लोनली फील हो रहा है तो वो सोए ना जागता है। उसके बाद जो गोगो है वो डीडी को अपने ड्रीम के बारे में बता रहा होता है लेकिन डीडी उसे रोक देता है क्योंकि वो नहीं सुनना चाहता। तभी डीडी सोचते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। तो गोगो उसे कहता है कि उसे रुक के गॉडॉट का वेट करना चाहिए। गोगो बोलता है कि उन्हें एक ट्री पर चढ़ना चाहिए
लेकिन वो दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं कि पहले कौन चढ़ेगा। एट द एंड वो ये डिसाइड करते हैं कि वो चुपचाप वहाँ पे गॉडॉट का वेट करेंगे। अब गोगो को भूख लगने लगती है तो डीडी उसे एक कैरेट देता है खाने के लिए। तभी वो एक आवाज सुनते हैं और वहां पर पोजो और लकी एंटर होते हैं। जो पोजो है वो लकी के गले में एक रोप बांधकर उससे उसे एक जानवर की तरह खींच रहा होता है। तो गोगो पोजो से पूछता है कि क्या वो गॉडेट है। उसके बाद पोजो अपना इंट्रोडक्शन देता है, वो बताता है कि मैं एक लैंडलॉर्ड हूँ, और लकी को वो अपना पेट बताता है, अपना स्लेव बताता है। उसके बाद जो लकी है उसके लिए, पोजो के लिए टेबल और फूड लगाता है और उसके लिए चिकन अरेंज करता है। उस चिकन की जो हड्डियाँ होती है वो गोगो को दे देता है। डीडी को बहुत गुस्सा आता है कि वो कितने बुरे तरीके से लकी को ट्रीट कर रहा है। तो गोगो और डीडी पोजो से बोलते हैं कि क्या ये जो लकी है ये अपने बैग्स को नीचे नहीं रख सकता। तब वो बोलते हैं कि वो ऐसा कर सकता है लेकिन वो ऐसा करेगा नहीं, क्योंकि वो मुझे यानी उसके मालिक को इम्प्रेस करना चाहता है। उसके बाद फिर वो अपनी नॉनसेंस और एब्जर्ड बातें, अपनी बेतुकी बातें शुरू कर देते हैं। वो लोग लकी को डांस भी करवाते हैं, जिसके कारण जो लकी की हैट होती है वो उसके सिर से नीचे गिर जाती है। डीडी उसकी हैट वापस उसके सिर पे रख देता है और डीडी और पोजो और लकी वहाँ से चले जाते हैं। गोगो भी वहाँ से जाना चाहता है लेकिन डीडी उसे याद दिलाता है कि वो लोग गॉडट का वेट कर रहे हैं, तो वो वहाँ से नहीं जा सकते। उसके बाद वहाँ पे एक बॉय आता है और वो बताता है कि जो गॉडट है वो आज नहीं आएगा। वो बॉय अपने बारे में बताता है कि वो गॉडट के लिए काम करता है। गॉडट कुछ गोट्स और एनिमल्स की केयर करता है और वो बहुत ही अच्छा मास्टर है, और वो भी वहाँ से चला जाता है। अब वो दोनों सोच में पड़ जाते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। तो एट द एंड वो ये डिसाइड करते हैं कि वो रात को वहाँ पर रुक के गॉडट का वेट करेंगे। और इसी के साथ एक्ट वन अब शुरुआत होती है एक्ट टू की, जो कि एक्ट वन का ऑलमोस्ट सेम रिपीटेशन होता है। नेक्स्ट डे सेम लोकेशन सेम टाइम वो लोग वेट कर रहे होते हैं। डीडी एक गाना गाता है। गोगो डीडी को बताता है कि लास्ट नाइट उसे बिना बात के पीटा गया था। वो एक दूसरे को हक करते हैं और एक दूसरे से दोबारा मिलके खुश हो जाते हैं। गोगो वहाँ से जाना चाहता है और वो बोलता है कि उन्हें क्या करना चाहिए। तो डीडी उसे बोलता है कि वो वहाँ पर वेट करें और वो लोग बात करते हैं लकी और पोजो के बारे में। लेकिन गोगो को उसके बारे में कुछ भी याद नहीं होता। उसके बाद डीडी उससे पूछता है कि कुछ साल पहले हमने ग्रेप्स तोड़े थे कुछ ट्रीज से, तो क्या वो उसे याद है। तब वो चुप हो जाता है और बोलता है कि वो उसे याद नहीं है। कुछ चुप्पी के बाद डीडी गोगो को बोलता है कि कुछ बात करे, कुछ बातचीत करे आपस में, लेकिन उन दोनों के पास बातचीत करने के लिए कुछ भी नहीं होता। उसके बाद वो उसे फिर से पूछता है कि क्या उसे पोजो और लकी के बारे में कुछ भी याद नहीं है। तब वो उसे कहता है कि उसे कुछ चिकन बोन्स के बारे में याद है। तब डीडी उसे एक रेडिश देता है खाने के लिए, क्योंकि उसके पास आज कैरेट नहीं होता है। गोगो सो जाता है और डर के उठता है। वो अपने सपने के बारे में डीडी को बताता है तो डीडी सुनने से मना कर देता है। गोगो वहाँ से जाना चाहता है लेकिन डीडी उसे रोकता है और बोलता है कि वो लोग गॉडॉट का वेट कर रहे हैं, तो वो वहाँ से नहीं जा सकता। और वो दोनों लकी की हैट से खेलना शुरू करते हैं। कुछ देर के लिए गोगो वहाँ से चला जाता है। तब वहाँ पर पोजो और लकी वापस आते हैं। पोजो अंधा हो चुका होता है और लकी के पीछे पीछे चलता है। लकी जैसे ही गोगो और डीडी को देखता है वो रुक जाता है, जिसके कारण जो पोजो है वो लकी से टकरा के गिर जाता है। पोजो अपने आप खड़ा नहीं हो सकता तो डीडी उसकी खड़े होने में मदद करता है और कुछ टाइम के लिए वो सारे लोग ग्राउंड पे गिर जाते हैं। तब डीडी और जो गोगो है वो दोनों खड़े हो जाते हैं।
पोजो की मदद करते हैं वो दोनों उसे खड़ा करने में, और जो पोजो है वो उनसे टाइम के बारे में पूछता है कि टाइम क्या हुआ है। तब गोगो को लगता है कि मॉर्निंग है, लेकिन डीडी को लगता है कि उसके बाद जो डीडी है वो पोजो को पूछता है कि वो ब्लाइंड कब हुआ। तब पोजो से जवाब देता है कि ब्लाइंड इंसान को इस चीज़ का आइडिया नहीं होता, और वो लकी और पोजो वहाँ से चले जाते हैं। तब गोगो वापस से सोने लगता है, लेकिन डीडी उसे जगा देता है कि वो उसके बगैर अकेला फील कर रहा है। उसके बाद वहाँ पे एक बॉय आता है और वो बोलता है कि जो गॉडॉट है वो आज भी नहीं आएगा, शायद वो कल आए। तब डीडी उसे एक सवाल पूछता है कि क्या गॉडॉट उसे जानता है, तो वो बॉय वहाँ से चला जाता है। गोगो वहाँ से जाना चाहता है, लेकिन जो डीडी है उसे वो एज़ यूजुअल रोकता है कि हम लोग गॉडॉट का वेट कर रहे, तो तुम यहाँ से नहीं जा सकते। उसके बाद गोगो और डीडी जो है वो एक बेल्ट का यूज़ करते हैं पेड़ पर लटकने के लिए। वो जैसे ही बेल्ट को खींचते हैं वो बेल्ट टूट जाती है। उसके बाद धीरे धीरे रात हो जाती है और वो दोनों डिसाइड करते हैं कि उन्हें अब वहाँ से चला जाने चाहिए, लेकिन फिर भी वो वहाँ से नहीं जाते, वो वहीं रुके रहते हैं। और इसी के साथ ये स्टोरी यहाँ पे कंप्लीट होती है। आई होप आपको ये स्टोरी समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप स्माइलिंग, नेवर स्टॉप लर्निंग, बिकॉज लाइफ नेवर स्टॉप टीचिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।